अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज आपको रस भरी के बारे में वो बातें बताने वाली हूँ कि जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और मार्केट में ये गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। रस भरी जब भी आपको मार्केट में नज़र आए, आप ज़रूर ख़रीद लीजिए, क्योंकि इस फल में वो ताकतें मौजूद हैं जिसका आज तक आपको इल्म नहीं होगा। लिहाजा इस वीडियो को देखकर आप रस भरी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर लेंगे और अपनी ज़िंदगी में इस फल को शामिल करके इस बीमारियों के दौर में आप बहुत सारी बीमारियों से बचाव हासिल कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि COVID-19 के बाद तमाम लोग इस बारे में बहुत परेशान हैं कि किस तरह से अपनी बॉडी को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाया जाए। लिहाजा हमारे चैनल में बहुत सारे फ्रूट्स और सब्जियों और बहुत सारी मालूमात आपको इस चैनल पर मिलेंगी। लिहाजा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर किस्म की मुकम्मल मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। रसभरी फ्रूट के बारे में तमाम मालूमात आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि किसी भी पॉइंट को आप मिस ना करें। रसभरी फ्रूट्स विटामिन्स और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट और मादनियात से भरपूर हैं, जो कि अच्छी सेहत को फ़रोग देने और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। और मुतअद्दद तहकीकात और मुतालात में ये भी बात सामने आई है कि ये कल्बी सेहत को बेहतर बनाने में मदद देता है, कैंसर को रोकने में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करता है और Type 2 diabetes के लिए भी बहुत बेहतरीन ये फल है। लिहाजा इस फल को अपनी रोज़ाना डाइट का हिस्सा बनाएं और डेली इसका इस्तेमाल करें। आपको पता चलेगा कि आपकी सेहत कितनी बेहतर हुई है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी मौजूद हैं, आप डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मुकम्मल तफसील दिखी हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुकम्मल तफसील के साथ बताया गया है कितने सारे विटामिन्स इस फल में मौजूद हैं जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। रसभरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हर तरह के कैंसर से बचाव का सबब बनते हैं और बहुत सारी बीमारियों में प्रोटेक्ट देते हैं। वज़न कम करने में रसभरी बहुत फ़ायदेमंद है कि आपका अगर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन हरगिज़ ना घबराएं अगर आपका वज़न ज़्यादा नहीं है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये अगर वज़न ज़्यादा होगा तो ही कम करेगी, अगर आपका वज़न ज़्यादा नहीं है तो ये आपको नॉर्मल रखेगी। इसमें मौजूद विटामिन सी आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद देता है। ब्लड प्रेशर को ये कम करता है, बल्कि याद रखिएगा कुछ लोग ये पूछेंगे कि ब्लड प्रेशर अगर हमारा कम रहता हो तो याद रखिएगा ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद देता है, यानी कि आपके ब्लड प्रेशर को अगर बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल रख देगा और अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है तो भी इसे नॉर्मल रखेगा। लिहाजा इसका इस्तेमाल आपको हर तरह से नॉर्मल रखने में मदद करेगा। इसमें विटामिन सी की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है और ये गठिया और वर्म के लिए बहुत बेहतरीन है, यानी कि अगर आपको गठिया का मर्ज़ है तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और अगर आपको किसी किस्म का वर्म जिस्म के किसी भी हिस्से में आता है तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। ऑलिक और लेनोलिक एसिड इसमें पाए जाते हैं जो कि बॉडी में मौजूद ख़राब कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करते हैं। बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और एक बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल भी ये नुकसान नहीं पहुंचाता। और रसभरी जो है वो आपके हार्ट के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। रसभरी Type 2 diabetes के लिए भी बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा है। ये गुर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये गुर्दों की सेहत को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और रसभरी के इस्तेमाल से गुर्दे सेहतमंद और तवाना रहते हैं। और ये आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और मोतिया के बनने के अमल को बहुत ही सुस्त कर देता है और बहुत हद तक रोकता है। ये कब्ज़ को ख़त्म करने में भी बहुत मदद देता है, यानी कि अगर आपको कब्ज़ रहती है तो आप रसभरी का इस्तेमाल करें और अपने इस कब्ज़ के मसले से निजात हासिल करें। रसभरी को ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है।
इन नामों का तस्करा मैं कुछ तो इस वीडियो में कर रही हूँ और बाकी तमाम नाम जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिहाजा हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ज़रूर विज़िट किया कीजिए। इसमें बहुत सारी मालूमात ऐसी होती हैं जो कि बराह रास्त इस वीडियो में नहीं बताई जा सकती, लिहाजा डिस्क्रिप्शन को ज़रूर विज़िट कीजिए। कुछ नाम मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ: कैप गोसबेरीज, स्मॉल ऑरेंज बेरीज, गोल्डन बेरीज, इनका बेरीज एंड ग्राउंड बेरीज। कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगी। अगर आपके कोई कमेंट्स हो, कोई सवाल पूछने हो तो ज़रूर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का बरवक्त जवाब दे सकूं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की बहुत सारी मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।